लखनऊ के अकबरनगर को अतिक्रमण मुक्त करने का आज पांचवा दिन है। फेज वन में तोड़े जा रहे घरों के बीच दो मंदिर, दो मस्जिद, दो मदरसा है। एलडीए द्वारा कहा जा रहा है कि आज इनको भी ढहा दिया जाएगा। यहां रहने वाले लोगों को वसंत कुंज में बेहतर सुविधाओं के साथ घर दिए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जिनको आवास नहीं मिला है। आशियाना उजड़ने के बाद अब वे किराए के घर में रहने के लिए मजबूर हैं। हालांकि एनडीए के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी का कहना है कि 29 अप्रैल तक जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनको फ्लैट दे दिया गया है। अब जरूरतमंद लोगों को फ्लैट दिया जा रहा है, नए लोगों की जांच की जा रही है। अब तक 1800 परिवारों को पीएम आवास का आवंटन पत्र दिया जा चुका है। शिफ्टिंग के लिए 53 लोडर गाड़ियां भी लगाई गई हैं। आपको बताते चले, अकबर नगर को अतिक्रमण मुक्त करने का आज पांचवा दिन है। यहाँ रहने वाले लोगों को निगम द्वारा वसंत कुंज योजना में शिफ्ट किया जा रहा है। लखनऊ के अकबर नगर को अतिक्रमण मुक्त करने का आज पांचवा दिन है। फेज वन में तोड़े जा रहे घरों के बीच दो मंदिर, दो मस्जिद, मदरसा स्थित है। एलडीए ने कहा है कि आज इनको भी गिरा दिया जाएगा। यहाँ रहने वाले लोगों को वसंत कुंज में बेहतर सुविधाओं के साथ घर दिए जाने की बात कही जा रही, लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जिनको आवास नहीं मिला है। आशियाना उजड़ने के बाद अब वे किराए के घर के रहने को मजबूर हैं। हालांकि एलडीए के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी का कहना है कि 29 अप्रैल तक जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनको फ्लैट दे दिया गया है। अब जरूरतमंद लोगों को फ्लैट दिया जा रहा है, नए लोगों की जांच की जा रही है।